ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की लड़ाई अपने चरम पर है। शिवसेना की 40 विधायकों के साथ बगावत के बाद एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। इसी बीच उद्धव ठाकरे अपनी बिखरती पार्टी को बचाने के जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे शिव संवाद यात्रा के जरिए राज्यव्यापी दौरा कर रहे हैं। इस दौरे में उन्हें अच्छा खासा जन समर्थन भी मिल रहा है। शिंदे खेमे ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया था कि वो ना तो अपनी सरकार में जनता से मिलते थे और ना ही अब सरकार जाने के बाद। अब उद्धव ठाकरे ने भी राज्यव्यापी महाप्रबोधन यात्रा का ऐलान किया है, जिसमें वो जनता के बीच जाकर शिंदे सरकार पर निशाना साधेंगे। उद्धव ठाकरे की ये यात्रा शिंदे सरकार को एक करारे जवाब के रूप में भी देखी जा रही है। आदित्य ठाकरे के राज्यव्यापी दौरे को शिव संवाद यात्रा का नाम दिया गया है, जबकि उद्धव ठाकरे के दौरे को महाप्रबोधन यात्रा का नाम दिया गया है। ये यात्रा गणेश उत्सव के बाद शुरू की जाएगी। पहली जनसभा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे शहर के टेंभी नाका में करेंगे। बता दें कि शिवसेना को पहली सत्ता का स्वाद चखाने का मौका भी ठाणे शहर से ही मिला था। उस वक्त शिवसेना की कमान दिवंगत आनंद दिघे के हाथ में थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाप्रबोधन यात्रा सितंबर में शुरू करेंगे। यात्रा का समापन कोल्हापुर के बिंदु चौक पर उनकी जनसभा के साथ होगा। प्रबोधन का मतलब जगाना होता है। वही इस यात्रा के नाम से उनके दादा के नाम का भी कनेक्शन है। इस यात्रा के जरिए उद्धव भी जन समर्थन जुटाना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें जीत हासिल हो सके। उन पर ये आरोप लगता रहा है कि वो जनता के बीच में जाने वाले नेता नहीं है। वही उनके दादाजी प्रबोधनकार ठाकरे को समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। उद्धव ठाकरे एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने दादा प्रबोधनकार ठाकरे के नाम का इस्तेमाल इस यात्रा में कर रहे हैं। ठाकरे ये बताना चाहते हैं कि वो अपने दादा के विचारों को लेकर इस सियासी यात्रा में शामिल हो रही हैं, ताकि उनके ऊपर कथित हिंदुत्व विरोधी होने का जो धब्बा लगा है उसे धोया जा सके।